इसको रख रहे हैं हम इस रूम में ताकि आराम से ये रेस्ट करे। बेचारा काफी टाइम से कहाँ कहाँ पे घुमा, अब आ गया ये अपने घर। हेलो गोलू, हेलो से हेलो, गुड बॉय। गुड बॉय, आज का लक्ष्य का बेबी ऐसा ही हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो जी आज वो दिन आ चुका है जब हम जा रहे हैं गांव। आज मैं और नेहा सुबह ही उठ चुके हैं और हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। बस अब हमने करना है ब्रेकफास्ट, फिर इसके बाद हम निकलेंगे। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि हमारे साथ तीन लोग होंगे, तीन नहीं चार लोग होंगे। हम चार कौन लोग होंगे उसके लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस व्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। आज सुबह से ही मौसम फिर से खराब हो चुका है और आप सभी को तारा देवी माता के दर्शन। जय हो तारा देवी माता, सब पे रक्षा बनाए रखना। तो हमारा सारा सामान पैक हो चुका है और आधा हम लोगों ने पिछले कल छोड़ दिया था गाड़ी में, नहीं तो बहुत हो जाना है ना। तो आपको लग रहा होगा बस इतना ही है। तो चार आदमी जो मैं बोल रहा था हमारे साथ जाएंगे, वो एक तो नेहा, एक मैं और एक हमारे बुन्नू भाई साहब भी है। तो बुन्नू भी हमारे साथ गांव जा रहा है जैसा हमने पहले व्लॉग में बताया था। जो चौथा इंसान है वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो अभी हम फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, हम हो रहे लेट। बुन्नू हमारी छोटी सी गाड़ी में एडजस्ट होना मुश्किल हो गया इसको। इसकी हाइट इतनी है कि एडजस्ट ही नहीं हो रहा, वही साथ में और सामान भी एडजस्ट करना है। आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट। एक साइड सारा हो जाए ना, फिर एक साइड एक बंदे के लिए जगह बन जाए। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं ढली। हम लोगों ने यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट के पास गाड़ी लगा दी है क्योंकि नेहा को कुछ काम है। नेहा जा रही है अपने काम से और मुझे भी कुछ काम है, तो मैंने सोचा मैं अपना काम करवा लेता हूँ। कितने टाइम में आओगे? मैं तो 10 मिनट में वापस हूँ। चलो मैं अभी 10 मिनट में ही आऊँगा। तो अभी मैं संजौली आया हूँ और यहाँ पे सामने जो दुकान है मुझे इसमें जाना है। तो सोच रहा हूँ कि नेहा ने तो अच्छा सा इंतज़ाम किया था, तो मैं भी कुछ डेकोरेशन का सामान ले जाता हूँ। उसे नहीं पता, अच्छा हुआ कि वो अपने काम से चली गई। तब तक मैं यहाँ से उसके लिए सामान ले लेता हूँ। तो मैं भैया की दुकान में आ गया हूँ। मैंने सामान तो पैक करवा लिया, वो क्या सामान है वो मैं भी आपको नहीं बताऊँगा, नहीं तो नेहा को पता चल जाएगा मैं क्या क्या ले रहा हूँ। तो कोशिश तो कर रहा हूँ कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लेके जाऊँ अपनी तरफ से, आई होप उसे पसंद आए। तो मेरे को एक कैंडल मिली है, देखो इसमें ऊपर जलेगी आग और ये हैप्पी बर्थडे कैंडल। पर इस बारी मैं ये नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं कुछ और लेके जाऊँगा। तो मैंने तो सामान ले लिया है, नेहा का भी पता नहीं है। कह रही थी 10 मिनट में आ जाऊँगी पर आधा घंटा हो गया वो आई नहीं है। तो इसका बेनिफिट मुझे है, तब तक मैं ये सामान कहीं पे रख देता हूँ। वैसे तो उसको पता चल ही जाएगा क्योंकि साथ में ही जा रहे हैं, पर फिर भी जितना हो सके अपनी तरफ से छुपाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ टनल की तरफ, नेहा वहाँ पे खड़ी है। अभी हमें पेट्रोल भी भराना है और सोच रहा हूँ कि टायर में हवा भी चेक करवा लूँ क्योंकि पहाड़ों में थोड़ा सा रिस्क रहता है, अगर टायर पंक्चर हो जाए तो दूर दूर तक कहीं सर्विस भी नहीं मिलेगी। नेहा आ चुकी है, हो गया आपका काम? तो आप बोलते 10 मिनट लगेंगे, 1 घंटा ले लिया आपने। क्या बोल रहे थे? अरे शॉप्स में लोग ही नहीं थे, अब जैसे छुट्टियां हो रही है ना तो मैक्सिमम शॉप्स या तो बंद है या तो बच्चे को लेने गए हैं इस टाइम। तो पहले जहाँ गई थी वहाँ भी 10 मिनट रुकी। अच्छा, अभी जहाँ से लाइनिंग लेनी थी वहाँ भी 10 मिनट रुकी। मैं भी रुका हुआ था पहले वहाँ से गाड़ी निकालने को, फिर उसके बाद पुलिस वाले ने वहाँ खड़ा रहने दिया। उसके बाद हमारा वेट कोई छैला में भी कर रहा है। चलो चलो, सुबह से वेट कर रहे हैं। चलो चलते हैं, अभी ऊपर ले जानी है गाड़ी, देखते हैं या तो मैं आगे वहाँ से चढ़ूं ऊपर। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं कुफरी। मैंने सोचा कि आपको ये एरिया दिखा दूं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा बर्फ पड़ती है और सबसे पहले बर्फ पड़ती है। तो ये देखो साइड में आपको ट्रेस दिख रहे होंगे, इससे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कितनी ज्यादा ठंड होगी। यहाँ पे देखो फ्रॉस्ट हुआ हुआ है हर जगह थोड़ा थोड़ा, तो ये इंडिकेशन है कि बहुत जल्दी बर्फ भी पड़ जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे रुके थे क्योंकि नेहा ने थोड़ा सा सामान सेट करना था। हो गया नेहा, चले अब। तो भाई गाँव जा रहे तो ये सब चीजें तो बहुत जरूरी है। अरे मैं हमेशा लगाती हूँ बट रिमूव हो गई थी वो, कुछ में रह गई थी कुछ में, तो मेरे को घर में टाइम नहीं लगा। मैं कहा जितनी देर आप सेटिंग कर रहे हो तब तक मैं लगा देती हूँ। चलो अब 5 मिनट और लगेंगे। नहीं बस हो गया, हम छैला कैंची पहुँच गए, वो चौथा इंसान हमें यही मिलेगा। हाँ, पर तो वो दिख नहीं रहे हैं। तो पहले गाड़ी साइड में लगाते हैं हम लोग। हम उन्हें फोन करते हैं क्योंकि वो कहीं भी नहीं दिख रहे इधर। तो जो चौथा इंसान हमारे साथ जाने वाला है वो यहाँ पे अभी धूप का आनंद ले रहे हैं, तो वो है नेहा के मम्मी। ये हमारे साथ जाएंगे, दिख रही है मम्मी? कहाँ बैठे मम्मी ने? पर ये है कि धूप में बढ़िया जगह बैठे थे, इस साइड को तो छाया थी ना। हाँ। क्या बात है, हमने सोचा कि आप कहीं चले तो नहीं गए। नमस्कार मम्मी, काफी टाइम हो गया आपको तो वेट करते करते, है ना? हम लोग बहुत लेट हो गए क्योंकि हमें छोटा छोटा सामान लेना था, अभी और भी लेना है। अब आपको पता है जब भी हम गांव जाते हैं
मम्मी आप सामान देख के डर तो नहीं रहे? रुको बैग मैं रखता हूँ, पहले आपका सेट करता हूँ। मम्मी आप सामान देख के डर तो नहीं गए? हम खुद भी डर गए कि इतना सामान कैसे हो गया है। हम लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि इतना सामान हो भी जाए। हाँ आप ना आगे बैठ जाओ मम्मी, मैं पीछे आराम से बैठती हूँ। अक्षय अच्छे से एडजस्ट करना क्योंकि अभी सफर बड़ा। स्पेस बना दी मैंने, एक आदमी पूरा बैठ सकता है। हाँ, बुन्नु की बिचारी की ऐसी की तैसी कर दी, पर चलो क्या करें अब, क्योंकि आराम से बैठना, चौपाल बहुत दूर दूर है अभी। चले मम्मी का ये शायद सेकंड टाइम है आपका? सेकंड टाइम है, साल के बाद। तो आई होप मम्मी को मजा आए और हमें ज्यादा झटके ना लगे और अच्छे से पहुंच जाए। चलो चलते हैं। तो हम लोग सेंच पहुंच चुके हैं, हमें थोड़ा सा सामान यहाँ से लेना है। तो जब भी हम रुकते हैं तो उस साइड वाली एरिया में रुकते हैं, पर आज हमने सोचा कि थोड़ा सा क्रॉस करके इस तरफ को रुकते हैं, पुल के इस तरफ को। और यहाँ पे देखो अभी लेंटर डला और शॉप्स खुल गई और इतनी सारी शॉप्स लोगों ने खोल भी दी है। और पार भी देखो वहाँ पे भी ऊपर लेंटर डल रहे, तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है कम टाइम में सेंच। आज से पहले हमने इतना नहीं देखा था। और यहाँ पे देखो एक बोर्ड ये भी लगा है, फास्ट फूड भी मिलेगा यहाँ पे, क्या बात है, वाह। पर चलो सामान ले लेते हैं। नेहा जी आपके आते ही सेंज इतना चमक गया, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बस ये जो ये रोड है। हाँ जी, यहाँ पे थोड़ी सी गंदी सी, मतलब डस्ट ही डस्ट, ये भी जल्दी से मेटल हो जाए। जब अच्छा ये आप ये ऊपर सड़क की बात कर रहे हैं, गांव के लिए आते हैं ना, पहले से सेंज तक इतना मुश्किल हो जाता है, इतनी डस्ट ही डस्ट होती है। अभी वो काम चल रहा है ना। हाँ जल्दी जल्दी से हो जाए। पर आप ये भी सोचो जब ये पूरा काम हो जाएगा तो कितना अच्छी रोड हो जाएगी। हाँ चलो अब चलते हैं। मम्मी भूख लगी होगी, कुछ खा लेते हैं। नहीं नहीं ऐसा कैसे लगी होगी, चलो मेरे को तो लगी है, मैं तो खाऊंगा, आ जाओ साथ में खाते कुछ। चलो तो हम लोग पैदल सेंच के इस तरफ को आ चुके हैं, तो सोचा कि कुछ सब्जियां ले जाते हैं क्योंकि अभी हम कुछ दिन घर पे रहेंगे तो इस हिसाब से हम सब्जियां भी खा सकेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं यहाँ पे। तो ये है हमारा सामान जो पैकेट ही फटने को रहा है, दूसरा ले लो टाइम से, क्योंकि घर पे ना फ्रूट्स या कुछ सब्जियां मिलती नहीं तो फिर यहीं से लेके जानी पड़ती है। फिर सर होगी शॉपिंग? हाँ जी फ्रूट्स की। फ्रूट्स भी लिए? फ्रूट्स लिए, फ्रूट्स में तो मैंने किन्नू ही लिया है। अरे मम्मा भी लेके आए हैं किन्नू तो। हाँ। अच्छा हो जाएगा ना, किन्नू हमारा फेवरेट। अमरूद तो या पपीता है? अगर पपीता नहीं, पपीता भी है। तो अभी हम लोगों ने सेंज में लंच किया है तो उससे थोड़ी एनर्जी आई है। वैसे एनर्जी तो चाय पी के आई है, इतनी अच्छी चाय बनाई थी, पर अक्षय को अच्छी नहीं लगी क्योंकि उसमें मीठा बहुत था। पर ये है कि जैसे लॉन्ग उस पे जा रहे हो ना रूट पे, तो ऐसी चाय से थोड़ा सा ना एनर्जी आ जाती है, क्योंकि इसके बाद अब कुछ भी नहीं मिलेगा हमें कहीं भी। तो बाद तक फिर अब जंगल भी शुरू हो जाएगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। मम्मी तो दिखाई नहीं दे रही होगी। मम्मी यही बोल रही होंगी मन में कि जब भी मैं लोगों के साथ जाती हूं तब उसमें जाते हैं, क्योंकि पैक होके इनके पास कोई ऑप्शन तो होता नहीं, हम गाड़ी वैसी फुल लेके आते हैं। जब भी मम्मी हमारे साथ आए, जब हम नीचे अम्बाला भी गए थे शॉपिंग के टाइम, फिर भी मम्मी पापा भी थे। आज भी बेचारे वैसे ही आ रहे हैं बुन्नु की वजह से ना, क्योंकि बुन्नु नीचे भी जगह बहुत कवर कर रहा था, ये कि अब गांव में आराम से अपना दादा दादी के पास रहेगा। बुन्नु नाराज हो जाता था। चलो अभी हम चलते हैं। अभी वैसे एक चीज अच्छी है कि शायद हम जल्दी पहुंच जाए आज, नहीं तो अंधेरे में ही पहुंचते हैं। आई होप सो। ये है ब्यूटी ऑफ चौपाल, 26 किलोमीटर का लॉन्ग जंगल। इसी रास्ते के बीच से हम लोग पहुंचते हैं चौपाल। तो बस अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। अब हमें बस चौपाल में थोड़ा सा सामान लेना है पूजा का, बस उसके बाद चले हम। काफी मजा आया आज, पता भी नहीं चला कि कब जैसे हम चौपाल पहुंच भी गए। तो अभी हम लोग चौपाल पहुंच चुके हैं, तो हमें कुछ सामान यहाँ से भी लेना है। तो सामने हमारी बिल्डिंग है, तो इसके सामने देखो कितने सारे चेंजेस आ चुके हैं। यहाँ पे एक ये ज्वेलरी शॉप भी आ चुकी है, यहाँ पे कपड़ों की शॉप भी आ चुकी है, और काफी कुछ परिवर्तन हो चुके हैं। तुम्हें एक चेंज बताऊं मैं, सबसे बड़ा ज्वेलरी शॉप आ गया यहाँ पे है ना। तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं और स्वागत के लिए आ चुके हैं मम्मी। तो अभी हमें एक और राउंड के लिए सामान लेने जाना पड़ेगा क्योंकि इतना सामान आया अभी हम लोगों से। चलो ले आ देते हैं, कोई बात नहीं, एक ही बारी में आ जाएगा। और कैसे है मम्मी आप? वही मैं बोल रही थी, बुखारी से आए हो। चलो हम सामान ले आते हैं। ऐसा नहीं कि दादी बाहर आए हमसे मिलने के, कोई आ तो गए बाहर मिलने में आ गए। हाँ
तुम्हारे को ये नहीं है कि भाई टाइम से आए, टाइम से करना चाहिए तो जाना है, नहीं तो टाइम से आओ। ये बात सही है, सारे काम हमें दिए करने को, फिर वो रहे टाइम से नहीं आए। और दादी कैसे हैं आप? हाँ तो क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहती हूँ यही कि भाई तू हमेशा रात को आते हैं, तुम्हारा असूल नहीं है, कोई ढंग नहीं है, इतना सामान लाने की कोई जरूरत नहीं। तो देखो अब जब भी हम गांव आते तो सारा सामान हमसे ही मंगवाते, फिर बोलते जल्दी नहीं आते। बताओ कैसे कैसे करें हम? चलो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है कि औरों का कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। आप ये बताओ यहाँ पे ठंड कैसी है? शाम को तो ठंड का तो हमारे वो पता है, अंदर बैठते हम बाहर घूमते। बिल्कुल, अभी अंदर ना काफी अच्छा माहौल होगा, बुखारी भी जली होगी। तो पापा अभी तक बाहर नहीं है, अभी अंदर जाके मिलते हैं उनसे। जब भी हम गांव आ रहे हैं तो ये तो मिनिमम सामान है जो हम लेके आ रहे हैं, तो मुझे खुद भी यकीन नहीं होता गांव आके, जब मैं देखता हूँ कि इतना सारा सामान मैं लेके कैसे आया हूँ विद सवारी। सही बात है ना, मैं भी यही सोच रही हूँ कितना सामान हम हर बार ही आते हैं इतना सामान लेके, और इतनी बड़ी गाड़ी भी नहीं है, पर आ कैसे जाता है सारा। और बुन्नू भाई साहब तो बिल्कुल रेस्ट पे हो गए, थके हारे। इसको इसके रूम में रख देते हैं। हाँ तो इसको रख रहे हम इस रूम में ताकि आराम से ये रेस्ट करे। बेचारा काफी टाइम से कहाँ कहाँ पे घूमा, अब आ गया ये अपने घर। हेलो बोलो, हेलो से हेलो, गुड बॉय। इतना सामान था, गुड बॉय। आज का लक्ष्य का बेग भी ऐसा ही हुआ। तो हमने सोचा कि सामान रख लेते हैं ताकि बाद में आसानी हो जाए। हाँ। तो बाकी सामान भी रख दे। बहुत सामान है, नहीं वो तो फिर डिवाइड करने वाला है ना, जो मम्मी को पूजा का सामान है कुछ, नहीं जो अपना है और वो बैग्स वो ले। हाँ, वो भी ले आते हैं। पापा को तो बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है कि इतना सामान लेके लोग आए होंगे बाहर मिल ले हम। भाई तुमने तो हद कर दी ठंड में, इतनी ठंड में। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो काफी ठंड हो चुकी है यहाँ, ठंड बहुत है। तो मैंने कहा तुम टाइम से पहुँच जाएंगे, टाइम से नहीं पहुँचे तो वेट कर रहे थे अभी तक। हमारे पास सामान बहुत था पापा, सामान बहुत था। इस बार हमने सोचा कि हर टाइम में जितना हो सकता है ले जाते रहते हैं, तो इस बार भी काफी सामान हो गया विद सवारी। अच्छा। चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो थोड़ा सा ना ये रख लेते हैं, एक दो पैकेट रह गए, फिर चलते हैं अंदर। हाँ हाँ, तो भाई क्या बात है। अच्छा आते ही नहीं, दादी को मिठाई दे दी। कुछ नहीं लाया, तू तेरा भी बर्थडे। क्या करे दादी, इसका बर्थडे पहले हो गया अब इसका। हाँ लेटेस्ट इसमें दादी हमने ऐसे किया ना, आधा किलो इसका है आधा किलो मेरा है, डब्बा एक ही बनाया हमने। हमने सोचा कि एक ही डब्बे में ले जाते कम जगह घेरेगा, है ना, ऐसा था हमने थोड़ा प्लानिंग की भी। अभी आ जाएगा, अभी और आएगा आपको डब्बा। मम्मी जी आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया, गरम, बुखारी का आनंद यहाँ पे यही है एकदम। ओहो नेहा ने तो एकदम प्रोसेस शुरू कर दिया, पाँव गरम करने का। अंदर आके ऐसा लगता है कि जैसे कहीं आप रूम हीटर चला हुआ है, सेंट्रल हीटिंग में चले गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एकदम गरम, ठंड का कोई नाम नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग कुछ लेके आए थे दादी और पापा के लिए, मम्मी के लिए पिछली बार लेके आए थे, दादी के लिए भी लेके आए थे, पर इस बार फिर से हमने सोचा कि दादी खुश हो जाते हैं अगर दादी को थोड़ा बहुत कुछ दे दो ना, उससे ऐसा फील होता है दादी को कि चलो यार एटलीस्ट मुझे याद करते हैं, मेरे लिए कुछ करते। और पापा के लिए इस बार लेके आए थे, उनका रिएक्शन कैसा होगा? पापा का तो मेरे को पता, वो तो यही बोलेंगे क्यों लेके आए, मेरे पास बहुत सारे कपड़े ये वेस्ट हो जाएंगे। और दादी की एक जो स्वीट सी स्माइल है ना, उसको देखने का काफी मजा आएगा। तो चले किचन में, तू एडिटिंग करता रहे। हाँ मैं एडिटिंग करूंगा इसका। ये गिफ्ट आपका है और दादी तो मस्त हुई है भजन में। गिफ्ट तो हम लोग घर पहुंच गए, सबसे मिलके हमें अच्छा लगा, दादी भी खुश हो गए, मम्मी पापा भी। अब हम सोच रहे हैं कि हम इस ब्लॉग को भी यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि अब घर वालों को भी टाइम देते हैं। और कल नेहा का जन्मदिन आने वाला है, और कल तो और भी अच्छा ब्लॉग रहेगा, और आपको सब दिखाएंगे जो हो रहा क्या क्या होता है। हमें भी आइडिया नहीं है, थोड़ी सी प्लानिंग करके आए, अब पता नहीं वो होगी कि नहीं होगी,
पर जैसा भी है, पर इसको सब पता चलता रहेगा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, कोई ऐसा सरप्राइज वाली बात नहीं होगी। अब तो वैसे भी ऐसा कुछ नहीं होगा, फैमिली वाले साथ है तो उससे अच्छा सरप्राइज और कुछ नहीं है। हाँ, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है कि इसके मम्मी भी आए और मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे इनके साथ इसका जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और पूजा भी है हमारे, अब देखो कब होती है क्या होती है, तो जैसा भी होगा आपको अपडेट देते रहेंगे। अब सोचे इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।